हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। लेट्स लर्न अबाउट विटामिन्स इन हिंदी। विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो कि चाहे कम मात्रा में ही सही परंतु हमारे शरीर के उचित कामकाज के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। यह हमें भोजन से मिलते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बनाता या बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, तो इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। जैसे कि मनुष्य का शरीर विटामिन सी नहीं बना सकता, तो हमें यह भोजन से लेना पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे कुत्ता, जिनका शरीर खुद से विटामिन सी बना सकता है। तो आइए जानते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये हैं, और विटामिन बी के और अनेक प्रकार हैं। विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 एंड B12। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के देख लिए हैं, खुद से विटामिन सी बना सकता है। अब विटामिन बीमारियां क्या क्या होते हैं, उनके केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और इसका केमिकल नेम रेटिनॉल। बी, बेरी बेरी रोग होता है, थायमिन इसका केमिकल नेम है। सी से स्कर्वी होता है, कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम। डी, रिकेट्स, कैल्सिफेरॉल। और ई से बांझपन होता है, टोकोफेरॉल। और विटामिन के, हेमोरेजिक फिलोक्विनोन। अब देखेंगे विटामिन्स या तो फैट सोल्यूबल होते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो फैट सोल्यूबल वो होते हैं जो कि हमारे शरीर में आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं, या फैटी उत्तकों, फैटी टिश्यूज में संग्रहित होते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक, ये महीनों तक भी रह सकते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन संग्रहित नहीं किए जा सकते हैं, यह हमारे शरीर में ज्यादा देर तक नहीं रहते हैं। विटामिन ए, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, रतौंधी रोग इससे हो जाता है, इसकी कमी से। और बच्चों में रतौंधी होता है और बड़ों में जीरोप्थेल्मिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता। यह रोग अधिक समय तक धूप में रहने तथा आहार में विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी, इसका केमिकल नेम थायमिन है, ये इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी रोग के लक्षण है बहुतंत्रिका शोथ, धड़कन के दौरे, दुश्वास और तथा दुर्बलता। रोग जिस तंत्रिका को पकड़ता है उसी के अनुसार अन्य लक्षण प्रद होते हैं। विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बी इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी, मसूड़ों में सूजन, दांत गिरना, रोगी का चेहरा पीला पड़ जाना इसके खास हैं। इससे खासकर शरीर को, जांघों और पैरों को। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल इसका केमिकल नेम है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जो प्रायः बच्चों में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से कंकाल विकृति, अस्थि भंगुरता, विकास में बाधा, दांतों की समस्या, हड्डियों का दर्द, पेशियों में कमजोरी आदि होते हैं। विटामिन ई, इसका केमिकल नेम टेकोफेरॉल है, इसकी कमी से विटामिन जो है नपुंसकता रोग हो जाता है, और इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। मायोथेरेपी तथा लिपिड पेराउडैक्सिन आदि रोग भी हो जाते हैं। विटामिन के, फिलोक्विनॉन, रक्त का थक्का ना बनना, इसकी कमी से जो है रक्त का थक्का देर से बनता है, और जिससे कि शरीर पर लगी चोट को सही होने में काफी समय लगता है। नेक्स्ट है विटामिन की खोज, सन, और विटामिन का नाम, केमिकल नेम। तो 1909 में विटामिन ए का खोज हुआ था, केमिकल नेम रेटिनॉल है, देख चुके हैं। 1912 में खोज हुआ था विटामिन B1 का। 1912 में ही विटामिन सी का खोज हुआ था, स्कॉर्बिक एसिड। 1918 विटामिन डी, एर्गो कैल्सिफेरॉल, कोलेलो क्विलेफेरॉल। 1920 विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और 1922 विटामिन ई टोकोफेरॉल। 1929 पाइलोक्विनॉन मेनकिनॉन। 1931 में पेंटाथोनिक एसिड, ये सभी विटामिन बी का है, बायोटिन विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन जो है 13 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ए का मुख्य काम है कि हमारी मांसपेशियां और हड्डी को मजबूत और ताकत देना। ये खून में कैल्शियम तथा संतुलन बनाए रखता है, और मुहासों के इलाज के लिए भी
उपयोगी है। इसकी कमी से हमें आंखों के रोग हो सकते हैं। विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं दूध, हरी सब्जियां, पनीर। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन बी, इसके कई रूप हैं। विटामिन B1 रासायनिक नाम थायमिन है। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत सूरजमुखी के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे। फायदे, मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसकी कमी से हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन B2 रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी सब्जी, बीन्स और मछली। फायदे, त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, एवोकाडो। फायदे, रक्तचाप नियंत्रण में रखने और सिर दर्द दस्त को कम करती है। विटामिन B5 रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत एवोकैडो, अनाज, मांस। फायदे, बालों को स्वस्थ और सफेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत अनाज, मांस, केले, सब्जियां। फायदे, यह सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। विटामिन B7 रासायनिक नाम बायोटिन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है और स्रोत है अंडे की जर्दी, एक योग सब्जियां। फायदे इसके हैं, यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से हमें जल्दी जो है जिल्द की सूजन हो सकती है, डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है विटामिन B9 रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत पत्तीदार साग सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, कुछ फलों में भी यह होता है। फायदे, यह त्वचा के रोग और गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। विटामिन B12 रासायनिक नाम कैनोकोबालामिन। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। स्रोत मच्छी, मांस, दूध, अंडे और दूध से बने उत्पादों में यह होता है। फायदे, यह एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसे बीमारियों को कम करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। यह वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। विटामिन सी की कमी हमें फल और सब्जियां खाकर पूरी कर सकते हैं। टमाटर, ब्रोकली में अच्छी मात्रा में विटामिन सी की सी होती है। यह गर्भवती महिलाओं, धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन डी रासायनिक नाम है एर्गो कैल्सिफेरॉल। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है। दांतों की सड़न को कम करता है। इसकी कमी से हमें सूखा रोग यानी रिकेट्स हो जाता है। तीन चीजों के जरिए हमें विटामिन डी मिल सकता है, त्वचा के माध्यम से, अपने आहार से और पूरक से। हमारा शरीर खुद विटामिन डी बना लेता है जब उसे सूरज की रोशनी मिलती है। आहार की बात करें तो दूध और अंडे की जर्दी से भी हमें विटामिन डी मिल जाता है। महिलाओं के लिए यह ज्यादा आवश्यक होता है। विटामिन ई रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन ई हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, एवोकैडो, अंडे और दूध से हमें विटामिन ई मिल जाता है। जिन लोगों को किसी प्रकार के यकृत रोग होते हैं उनको यह ज्यादा लेने के लिए कहा जाता है। विटामिन ई के लिए कोई पूरक लेने से पहले डॉक्टर से जरूर परामर्श लें। नेक्स्ट है विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। यह फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के स्वस्थ हड्डियों और उत्तकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, इसे भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विटामिन शब्द यानी विटामिन वर्ड का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? तो ऑप्शन है सी फंग, मैकुलम, होलकट, लुईस पाश्चर। उत्तर है सी फंक, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन की खोज किसने की थी? डिस्कवर्ड ऑफ विटामिन्स
यह है आंसर सी, फंक ने ही इसे भी किया है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की? तो ये किया है मैकुल। विटामिन सी की खोज किसने किया था? तो विटामिन सी हाउ ने किया था इसका खोज। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन ए एवं जिंक मिलकर जो है दोबारा स्किन सेल्स घाव जल्दी भरने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? आंसर है सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण। 7वां है विटामिन ए किस नाम से जाना जाता है? का रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, केमिकल नेम इसका रेटिनॉल है। नेक्स्ट देखेंगे किसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? आंवला, गाजर, नारियल, संतरा। तो गाजर में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो ये निकल जाता है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने यानी कि ब्लड क्लॉट में सहायक होता है? तो ये होता है विटामिन के। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबो इसका है राइबोफ्लेविन तर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फोटो के किनारे किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो आंसर है बी, विटामिन B2। मछली के यकृत फिश लिवर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन डी और ए। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो उत्तर है ए, विटामिन B12। मानसिक विकार मंद बुद्धि व पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात उत्तर बी। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आंखों की रोशनी आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो ये होता है विटामिन ए, आई से रिलेटेड ए ही होगा। सौंदर्य विटामिन यानी ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका विटामिन ई। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है? तो आंसर है ए, पैराडॉक्सिन। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।